इस वीडियो में हम HTML के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे। बेसिकली HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज ए स्ट्रक्चर्ड मार्कअप लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ वेब पेज। तो HTML जो है बेसिकली वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। यानी कि इट्स मीन कि इस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए आप एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं फॉर वेबसाइट या वेब पेजेस। A markup language such as HTML is simple collection of codes called element. तो basically markup language जो है HTML जैसे कि इसमें हमारे पास codes होते हैं, collection of codes जिसे हम tags भी कहते हैं, और that codes are called elements. और इन elements को use करते हुए, इन codes को या tags को use करते हुए जो है हम instruction या commands देते हैं, और वो एक instruction और codes के through जो है हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, और दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग और प्रेजेंटिंग टू द यूज़र, एंड यूज़र को जो है वो प्रेजेंट की जाती हैं। तो बेसिकली दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली कोई भी वेब डॉक्यूमेंट्स जो आपने क्रिएट करना है दैट विल बी अ स्ट्रक्चर्ड, और उसको फॉर्मेट जो है वो आप HTML को यूज़ करते हुए जो है उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे। अ यूज़र एजेंट यूजली अ वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, Chrome, Google Chrome, Firefox that render the document interpret the meaning of these code to figure how to structure or display a document. तो basically user agent जो है computing environment में, a user agent जो है that is a software acting on the behalf of a user. जैसे कि web browser इसकी example है, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ web browser available है, Internet Explorer, Google Chrome और Firefox. Basically these web browser that retrieve, render and facilitate the end user interaction with the web content. So basically जो है user agent के through जो है वो आप इस documents को जो है वो display करते हैं, और user जो है वो इस web browser को use करते हुए ही interact करता है। तो elements in HTML consist of alphanumeric tokens with an angle bracket such as बी एच टी एम एल एंड इमेज टैग्स जो हैं दैट दीज आर द एलिमेंट्स। तो बेसिकली इन टैग्स या एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए जो है हम जो है वो एच टी एम एल का डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली एच टी एम एल डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम जो है एक हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्रिएट करते हैं। जस्ट लाइक अगर हम नॉर्मल बात करें तो ये हमारे पास एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट है दैट इज़ आर्टिकल जो हमने राइट किया हुआ है। तो बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर आपने जो है मुख्तलिफ कॉन्टेंट्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं, राइट किए हुए हैं, रिटन है। तो बेसिकली सेम थिंग अगर हम वेब पेजेस या वेब डॉक्यूमेंट की बात करें, सो दैट इज़ द वेब डॉक्यूमेंट्स या वेब पेज है जिसको हम कहते हैं कि दीज वेब पेजेस और वेब डॉक्यूमेंट्स आप कह सकते हैं दैट इज़ सिमिलर टू नॉर्मल आर्टिकल जो कि आप राइट करते हैं। तो दैट दीज वेब पेजेस आर क्रिएटेड इन HTML डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली इसमें भी आपने जो है डिफरेंट कॉन्टेंट्स जो हैं वो राइट किए होंगे, बट इन इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर यू हैव क्रिएटेड अ लिंक्स जस्ट लाइक लिंक है, और ये लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यू विल जंप टू एन अदर डॉक्यूमेंट, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी जो है वो आपके पास बेसिकली मुख्तलिफ आर्टिकल्स राइट किए हुए हैं, और यहाँ पे भी आपके पास लिंक होगा, और ये लिंक जो है बेसिकली आप क्लिक करेंगे तो दैट्स मीन के यू हैव टू जंप एन अदर डॉक्यूमेंट्स, आप एक दूसरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मूव कर जाएंगे। सो इन दैट वे ये जो हमारे पास वेब पेजेस या वेब डॉक्यूमेंट्स जो हैं दैट इज़ हाइपर लिंक टू ईच अदर, आप लिंक्स क्रिएट करते हैं और मूव करते हैं। सो दीज डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड इन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर जो है वो आप क्रिएट करते हैं। तो HTML मेनली जो है वो डिज़ाइन होती है क्लाइंट वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। सो HTML मेनली यूज फॉर डिज़ाइन अ क्लाइंट साइड वेब पेजेस, दिस इज़ अ स्टैटिक पेजेस, नॉर्मली दीज आर द स्टैटिक पेजेस। और स्टैटिक और डायनामिक पेजेस क्या होते हैं वो यू विल सी इन अपकमिंग वीडियोस। बेसिकली स्टैटिक पेजेस इट्स मीन के इट्स इस वेब पेजेस के कॉन्टेंट्स जो है दैट विल नॉट चेंज अनटिल के अनलेस जो है वेब एडमिनिस्ट्रेटर या वेब ओनर या पब्लिशर जो है वो उसके कंटेंट्स को चेंज ना करे, यूज़र जो है उसको चेंज नहीं कर सकता। दैट्स मीन के दैट इज़ द स्टैटिक पेजेस। नॉर्मली HTML के अंदर जो है हम स्टैटिक पेजेस जो हैं वो क्रिएट करते हैं। HTML इज़ ए नोट केस सेंसिटिव,
HTML जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इट्स मीन आप लोअर और अपर केस के अंदर जो है ये टैग्स जो हैं, दीज टैग्स कैन बी राइट इन एनी केस, लोअर केस एंड अपर केस डजेंट मैटर. HTML इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, इट कैन बी रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज, लिनक्स एंड मैक. इट्स मीन कि लिनक्स जो है दैट इज़ इंडिपेंडेंट, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए HTML का डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करके उसको रन और एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो दीज आर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके ऊपर आप HTML का डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करके और एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो दैट इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ HTML, जिसमें हमने ब्रीफ जो है वो इंट्रोडक्शन देखा HTML के बारे में. और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि HTML में डॉक्यूमेंट्स किस तरह क्रिएट किया जाए.